संसद के दोनों सदनों में गूंजा हैदराबाद गैंगरेप कांड। राज्यसभा में सांसद जया बच्चन बोली, रेप के दोषियों की जनता के बीच लिंचिंग होनी चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार कठोरतम कानून बनाने के लिए तैयार। गैंगरेप कांड के विरोध में दिल्ली समेत देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी। मुख्यमंत्री KCR ने फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने के आदेश दिए। तमिलनाडु के कई हिस्सों और पुडुचेरी में भारी बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। कोयम्बटूर में दीवार गिरने से 15 लोगों की मौत। राज्य सरकार ने 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े के बयान पर संजय राउत ने कहा, 80 घंटे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 40,000 करोड़ केंद्र को भेजकर गद्दारी की। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, केंद्र को 40,000 करोड़ रुपए वापस करने की बात झूठी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुलेट ट्रेन परियोजना की समीक्षा करने का आदेश दिया। कहा, हमारी आम आदमी की सरकार। सब लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह इंडियन नेवी की पहली महिला पायलट बनी। स्पेन के मैड्रिड में आज से 25वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की शुरुआत। 200 से ज्यादा देश शामिल होंगे। और U19 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान। यूपी के प्रियम गर्ग को टीम की कमान।